आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल माय सिटी फूड सीक्रेट में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने बनाई है बीफ बिहारी बोटी। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। आप हमारी ये रेसिपी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे कैसे बनाते हैं। बीफ आधा किलो बोनलेस लिया है, इसकी इतनी छोटी बोटियां करवा ली हैं। कशकाश 1 चम्मच, बादियान का पाउडर 1/2 चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, दही 1 कटोरी, कचड़ी पाउडर गोश्त गलाने के लिए, यह किसी भी शॉप से बआसानी मिल जाता है। अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक पीस लिया है और 1 प्याज को ब्राउन कर लिया है। और ऑयल हमने वही लिया है जिसमें प्याज को ब्राउन किया है। चले अब गोश्त को मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले खुला बाउल ले लेंगे, इसमें गोश्त डालते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट, तमाम सूखे मसाले, नमक, मिर्च, बादियान का पाउडर, खशकाश, गरम मसाला, कचरी पाउडर, इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, अब इसमें प्याज डालेंगे। दही डालेंगे, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी सा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब सबसे एंड पे ऑयल डालेंगे, इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से गोश्त हमारा मैरिनेट हो गया, अब इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। बीफ हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया, उसे रखे हुए 4 से 5 घंटे हो गए, अब इसे पैन में शामिल करते हैं। क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला था इसलिए ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं। अब पैन को गर्म होने देते हैं। ये देखें गोश्त जो है पकना शुरू हो गया, अब इसका ढक्कन बंद करते हैं और 20 से 25 मिनट के लिए इसे अपने पानी में पकने देते हैं। तकरीबन 1/2 घंटा हो गया, अब ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। ये देखें बोटियों से जो मसाला चिपक गया, बीच बीच में हमने इसे चेक भी किया था कि इस तरीके की होनी चाहिए। कितनी प्यारी हमारी बिहारी बोटी जो है तैयार हुई है। एक कोयला हमने गर्म होने के लिए रख दिया, इसका धुआं देंगे। अब एक एल्युमिनियम फॉइल रखेंगे, कोयला गर्म हो गया, कोयले को रखेंगे, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। धुआं में लग गया, ढक्कन बंद कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे स्मोक देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हमारी बीफ बिहारी बोटी बिल्कुल रेडी है। अब इसे डिश आउट कर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी बीफ बिहारी बोटी रेडी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार बनी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।